हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल रात को इडली सांभर खाने के बाद तो क्या मैं थकी हूँ जबरदस्त, और इतना लेट खाना खाया, ना वॉक हुई ना कुछ नहीं, थोड़ी बहुत भी जब वॉक हो जाती है तो सही लगता है। तो फिर तो मैं ऐसी सोई हूँ सीधी, क्योंकि एसिडिटी जैसा लग गया था। मैंने कहा सोने में ही फ़ायदा है, अगर जागी हुई रही तो फालतू वॉमिटिंग कुछ हो जाएगी। अब ब्रश वगैरह करती हूँ, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। मैं कर रही थी सुबह सुबह के काम, और आज आप समझ ही गए होंगे हमारे भाई जी हो गए बीमार। सो अभी लगाया मैंने पूरे घर में झाड़ू बाहर तक, और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। आपों को बैठ के पोछा नहीं होता है इसलिए खड़े खड़े ही लगाते हैं, और एक बार पूरे घर में लगा देती हूँ पोछा, फिर खाने की प्रिपरेशन करनी है। मैंने नहा लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ, पर जैसे ही नहा के मैं आई फिर चिकू आ गए थे। चिकू ने रात का ही जो इडली और सांभर पड़ा हुआ था वो खाया, और मैंने रात को थोड़ा सा बैटर बचा के रखा था कि मैं सुबह उसके हांडवे बना दूँगी या फिर ढोकले बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, कुछ ज़्यादा ही बैटर हो गया था इसलिए। और मैंने उसी बैटर को पीस दिया, मैंने कहा थोड़ा बारीक कर देती हूँ फिर डोसे का ट्राई करती हूँ, और डोसा बन गया। मैं अभी आपको एक बना के बताती हूँ। यार सच में यार बन गया है, इसको पर मैं पतला कैसे करूँगी, थोड़ा मोटा तो बनेगा बट वाह डोसे जैसी फील आ गई, वही बहुत है। ये मैंने फर्स्ट बनाया था, अब मैं इसको टेस्ट करूँगी। ये तो नान जैसा दिख रहा है मेरे को। एक्चुअल में अच्छा लग रहा है। खा गए तुम? मेरा पेट फूल है। अच्छा लग रहा है ना? मस्त, रोटी जैसा लग रहा है एकदम। मैंने तो कुछ का कुछ बना के बहुत अच्छी चीज बना दी, पर आप भी बना सकते हैं। कुछ का कुछ बना के बहुत अच्छी चीज बन गई मेरे हाथों से, और आप भी ये चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अगर आपका भी ऐसे बैटर रह जाए रात का सूजी की, अगर आप इडली बना रहे हो तो सुबह उसको ही मिक्स में पीस दो और उसके डोसे जैसा बनाने का ट्राई करो। थोड़ा पैनकेक जैसा भी लग रहा है। अब मैं बना रही हूँ खाना, आज का खाना रेडी। खाने में बना है मटर की सब्जी और कल रात वाली इडली। वही खाना खा लेते हैं और फिर जाना है शॉप पर, क्योंकि आज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। खाना वगैरह सब मेरा हो गया है, अब मैं जा रही हूँ शॉप पे, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है बाहर की। आज पूरा दिन काम होने के बाद भाई क्या हो गया, अच्छा 4K में अभी जस्ट हुए हैं हम फ्री सैलून से, क्योंकि आज नॉन स्टॉप पूरा दिन कस्टमर ही कस्टमर थे, और अभी बज गई है 6:20 और आगे मैं आ गई हूँ। अब थोड़ी देर तो बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े पैरों की हालत होगी खराब। ये देखना वीडियो कॉल में ब्लॉग में ले रही हूँ तेरे को, मैं पूरा मुँह दिखा। हाँ ब्लॉग वीडियो कॉल से बना रहा है भी, क्या कहते हैं शिवू। तो गाइस के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और वीर का बर्थडे है, वीर को सब जने विश करो, और 10 मिलियन सब्सक्राइबर कर लो मेरी मामा बुआ के। हाँ मिलियन बोलते हैं, लाइक 1 लाख आने चाहिए गाइस। हाँ तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एंटी डैंड्रफ शैम्पू।
सारे, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो आजकल के समय में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो हमारे बालों में मिट्टी वगैरह लगती है, उससे हमारे बाल काफ़ी डैमेज होते हैं और ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस की वजह से होती है डैंड्रफ। और डैंड्रफ हमारे बालों को न ग्रोथ करने देती है, न ही हमारे बालों को शाइनी रहने देती है, और ना ही डैंड्रफ होती है तो हमको इचिंग भी होती है, सो इसीलिए, और ईयर्स वगैरह में भी फंसती रहती है, और साथ ही साथ हमारे फेस पर एक्नेस की भी प्रॉब्लम लाती है, क्योंकि किसी का फेस अगर ऑयली नहीं है, ड्राई नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन नहीं है, तो ऐसे होते हुए भी हमारे फेस पर एक्नेज आते हैं, तो इसका मतलब है आपके बालों में डैंड्रफ है। और इस चीज़ को रहते समय कितनी बार तो क्या होता है, आईब्रोज के भी बाल झड़ जाते हैं, औरतों को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने मिलती है। जब आईब्रो बनवाते हैं तब पता चलता है कि यहाँ से बाल निकल गए हैं, क्योंकि वो डैंड्रफ हमारी आईब्रोज के ऊपर जमती है, और आईब्रोज से हमारे आईब्रो के बाल एक 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 करके झड़ते रहते हैं, जो चीज़ हम नोटिस नहीं करते हैं। और यही चीज़ हमारे बालों के साथ भी होती है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से बाल भी हमारे झड़ते हैं, ड्राइनेस होती है, इचीनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए मैं आपके पास लेके आई इतने सारे प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हो मेरी शॉप पर जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज अवेलेबल हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं, और एक एक शैम्पू अलग अलग ब्रांड्स का है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सेट बॉटनी के बारे में। इसके ये शैम्पू है टी ट्री, और टी ट्री हमारे बालों से डैंड्रफ को रिमूव करता है, और हमारे स्काल्प में जो भी फंगल होती है उसको भी रिमूव करता है, क्योंकि जो डैंड्रफ है वो फंगल इन्फेक्शन ही है एक तरह से बालों के लिए। तो ये कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर नो सिलिकॉन, नो पैराबेंस, नो मिनरल्स ऑयल, ये हर चीज़ से फ्री है, आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। और फिर आ जाते हैं हमारे पास मामाअर्थ के प्रोडक्ट, ये भी सिलिकॉन फ्री, पैराबेन फ्री और मिनरल ऑयल फ्री है। इसके साथ शैम्पू और कंडीशनर दोनों अवेलेबल है। शैम्पू और कंडीशनर क्यों ज़रूरी है बालों के लिए, ये तो मैंने आपको मेरी एक वीडियो में बताया हुआ ही है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। तो कैसे हेयर को वॉश करना है और कैसे बालों की केयर करनी है वो भी मैंने बता रखा है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एप्पल साइडर विनेगर वाला, जो कि हमारे बालों से डैंड्रफ को रिमूव करता है, ड्राइनेस को रिमूव करता है, और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और एक और है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ये भी हमारे डैंड्रफ को रिमूव करता है। और ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, और ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बने हुए हैं, इसलिए हमारे बालों को बिल्कुल हार्म नहीं करने वाले और बिल्कुल हमारे बालों पर इफेक्ट दिखाएगा। सेकेंड आ जाता है हमारा गुड हेयर का शैम्पू, जो कि मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर 3 की पैकेजिंग है, जो कि ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, ये पूरा कॉम्बो है अपने हेयर्स के लिए, और ये आपके डैंड्रफ को बिल्कुल रिमूव कर देगा, और इसको यानी बालों का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। और इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, इसका जो ऑयल है वो 27 ऑयल्स और 27 हर्ब्स और 7 ऑयल से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारे बालों में से डैंड्रफ को रिमूव करता है और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो मैं आपको इसकी पैकेजिंग बता रखी है, और मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में शैम्पू और कंडीशनर भी बता रखे हैं। और एक और प्रोडक्ट है गुड हेयर का, जो कि स्पेशल हेयर लॉस कंट्रोल के लिए है और डैंड्रफ के लिए है और हमारी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो इसके अंदर भी शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल, तीनों चीज़ें दे रखी हैं, आपके ऊपर बिल्कुल इफेक्ट करेंगे, और ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक हैं, क्योंकि इनके ऊपर सबके ऊपर लिखा हुआ है, और पैराबेन फ्री है, मिनरल फ्री है और सिलिकॉन फ्री है, तो हमारे बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा। तो बस मैं यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स एक साथ रख के मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम है ड्राइनेस की तो आप ये वाले शैम्पूज और कंडीशनर ट्राई कर सकते हैं। एक दिन मैं आपके लिए प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगी ऑयल्स के ऊपर, जो कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे, और डैंड्रफ का कुछ इशू ज़्यादा है तो ऑयलिंग भी काफ़ी ज़रूरी रहती है, तो ऑयल भी मैं आपको एक दिन इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अभी तो हालांकि अब मुझे भी घर जाना है, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब चलते हैं घर पर। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूँगी, तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें भी पता कर सकते हैं। बता तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, पर अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं घर पर, चिकू भी हमको लेने आ गए और वीडियो बनाने के लिए यही है। घर आने के बाद खाने की प्रिपरेशन करी, और आज मैं बहुत चिपकू लग रही हूँ यार, पर आज क्या काम ज़्यादा था मुझे पता था तो ऑलरेडी, तो मैं चिपकू ही बन के गई थी। घर पर आने के बाद मैंने आटा गूंथ दिया, आटा ग्रीन कलर का लग रहा होगा, बट आटे में पालक पीस के डाली है, तो दिखने में भी अच्छे लगे कि कुछ नया ट्राई करते हैं। और आलू पालक की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आज, पालक मैंने चॉप्ड कर दी है, आलू भी यहाँ पर रख दी हैं, और बनाऊँगी मैं पालक की सब्ज़ी, पालक और आलू। मेरे को पालक भाती नहीं है, पर मैं कुछ आज इंटरेस्टिंग अभी यूट्यूब पर देख रही थी रेसिपी, तो कुछ अच्छा देखने मिला तो वही बना रही हूँ, जायकेदार।
हमारी पालक की रोटी और पालक आलू की सब्जी तैयार है। और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, चुकू को भी दे देती हूँ। बिल्कुल दे दो। आप तो क्या चटनी वाली रोटी? नहीं, पालक की रोटी है। नाइस। अरे पापड़ तल लूँ ना? हाँ? पापड़ सेक देती, पापड़ सेकना तो भूल ही गई। अच्छा दे दो पापड़ दे। इसके ऊपर मत रख देना मुझे। अब बैठ गए हम खाना खाने के लिए और ये यहाँ पर चिकू खाना खा रहे हैं। चिकू कैसा लग रहा है हरी रोटी खा के? एक नंबर सब्जी लगी, रोटी का खैर स्वाद नहीं लग रहा मुझे। सिर्फ मैंने पालक डाली है, यानी टेस्ट में तो कुछ आयक नहीं है, पर दिखने में एकदम मजेदार दिख रही है। तो हम मिठाई की रोटी लीलवे की रोटी बनाई है, यूँ कह रहे थे मेरे को आके एक बार। तो चलो खाई लेती हूँ अब मैं। अभी मैं देख रही हूँ मुंबई का निखिल का व्लॉग और आज उसने उसकी बेटी का फेस रिवील किया है, देख के इतना मजा आ रहा है। एकदम मस्त, साथ साथ में हम भी खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कर रहे हैं चिकू एडिटिंग और मैं यहाँ पर बैठ के छिल रही हूँ लहसुन। ये लहसुन क्योंकि सुबह 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 मुझे टाइम मिलेगा नहीं और फिर लास्ट में क्या होता है, खाना बनाने के टाइम पे जल्दी होता है और लहसुन छिलने बैठते हैं फिर लेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा लहसुन छिल के डब्बे में भर के स्टॉक करके रख देते हैं, 3-4 दिन तो चल ही जाएगा। और मैं लहसुन छिल देती हूँ और यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।